welcome speech. Please welcome Ma'am Tara Chaudhary. मेरे मन में विचार आया कि थार नगरी जैसे भी थी, यहाँ बैठे हर दिल में उतरने की दुआ मांगी थी। मेरे गुरुजी मेरा भरम न इसी प्रकार से ये प्रशिक्षण शिविर 4 फरवरी 2017 को माननीय जिला कलेक्टर is a great supporter and a true idol. Now, I would like to invite Nakshatri for English news reading. Please welcome Nakshatri. ठीक है वे मैम को माला पहनाकर उनका मान सम्मान व बहुमान कराएं। मैं मैम जयश्री जी से नेको दो बच्चों को कहा इन्होंने तो दो की जगह 51 तैयार कर दी। उस सब का इस प्रतियोगिता में भाग ले निबंध लेखन निबंध वाचन और निबंध लेखन के साथ साथ इनमें आत्मविश्वास पर्वत और पहाड़ स्थिर है, समुद्र और नदियों की सीमा निश्चित है, ये हवा भी कहीं ऊपर जाकर रुक जाती है। यदि एक शेर मेरे पास अभी मेरे एक मित्र है उन्होंने भेजा है महिला दिवस पर कि बड़ी जल्दी सीख लेती हूँ जिंदगी का सबक मैं, बड़ी जल्दी सीख लेती हूँ जिंदगी का सबक मैं बेटी हूँ बात बात में जिद नहीं करती। सबसे पहली बात कि यहाँ पर आके खड़ा होकर एंकर बनने की मैं आपको भाषण दे नहीं सकता क्योंकि मैं खुद अभी तक एक अच्छा एंकर बन नहीं पाया और जिस दिन मैं बनूंगा उस दिन आपको ये जरूर कहूंगा कि आप ये करें वो करें। पहले भी मैं आपको ये कह के गया हूँ कि जब तक आप अच्छे पाठक नहीं बनेंगे तब तक आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। अपनी जो पढ़ाई है उसको लगातार जारी रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस बाड़मेर जिले से संबंध रखते हैं यहाँ की कला संस्कृति साहित्य सर खुद साहित्यकार कवि हैं, आदर जी साथ में है वो ऐसे कार्यक्रमों में खूब आते जाते रहते हैं। श्रवण जी बिश्नोई साहब भी यहाँ मौजूद हैं वो भी राजस्थान से हैं उनको पता है कि यहाँ की कला और संस्कृति क्या है। रेवत जी सर कई पीढ़ियों को पढ़ा कर आगे बढ़ा चुके हैं तो ये सारे लोग सीनियर हैं। आदरणीय मैडम अमृत जी यहाँ पधारे हुए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं आपको एक जरूर चीज कहूंगा कि हम अपने इलाके की अपनी भाषा की जो बारीकियां हैं जो गहराई है उसको हम सतही रूप में देखकर भूल चुके हैं। अंग्रेजी और हिंदी की तरफ इतने बढ़ चुके हैं हम अपने इलाके के बारे में जानकारी नहीं रख सकते क्योंकि हमने पढ़ना बंद कर दिया। हमें ये पता नहीं कि हमारे इलाके में कौन साहित्यकार थे, कौन अच्छे लेखक थे, कौन अच्छा लिखते थे, कौन पूरे भारत में विश्व में जिनको पहचाना जाना पहचाना गया वो सारे लोग अब नेपथ्य में खो गए हैं क्योंकि हमने उनको पढ़ना छोड़ दिया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम अंग्रेजी सीखें, हम हिंदी सीखें, हम हर भाषा के ऊपर अपनी पकड़ कायम करें लेकिन हम अपनी मातृभाषा को ना भूलें क्योंकि जो आनंद राम राम और खमा घड़ी में वो हेलो हवाइयों में नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक निवेदन जरूर करूंगा यहाँ पर मुझे क्योंकि संक्षिप्त में कहने के लिए बोलने के लिए कहा गया है। मैं यहाँ आया था दर्शक के तौर पे लेकिन मुझे कहा गया कि आप भी यहाँ अतिथियों की जमात में शामिल हो जाएं। मैं उसे काबिल नहीं था फिर भी शामिल हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीडी साहब तातेर साहब के लिए आप छात्राओं की ओर से जरूर कहना चाहूंगा पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक महीना जो आपका प्रशिक्षण चला ये पर्याप्त था या और बढ़ना चाहिए था। चलिए जो इच्छा है सर इन 4 पंक्तियों में आप समझ जाइएगा। बशीर बद्र साहब लिखते हैं कि कहां आंसुओं की यह सौगात होगी, कहां आंसुओं की यह सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा आपकी मोहब्बत गुरुजी अगर साथ होगी और चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिराग यानी दिए महफूज यानी सुरक्षित रखना, चिरागों को आंखों में महफूज रखना बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी
मुसाफिर हो तुम भी, न जाने किस मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पढ़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। रेखा जी यहाँ पर है नहीं, नहीं तो मैं उनसे कहना चाह रहा था एक कदम वो भी उठा ले ताकि जो